नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रुचा सिंह। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज नागपंचमी भी पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। ऐसे में आज हम आपको एक विशेष मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में नाग की पूजा करने की परंपरा सदियों से रही है। इस धर्म में आस्था रखने वाले लोग सांपों को भगवान का आभूषण मानते हैं। हमारे देश में नागों के कई मशहूर मंदिर भी हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक उज्जैन में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के तीसरी मंजिल पर ही नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे सिर्फ नागपंचमी के लिए दर्शन के लिए खोला जाता है। मगर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रहस्य है और क्या मान्यता है, चलिए आज नागपंचमी के दिन ही आपको बताते हैं। नागपंचमी यानी कि सर्पों का त्योहार। इस दिन सांपों की पूजा की जाती है। सावन माह में आज के दिन का विशेष महत्व होता है। नागपंचमी की पूजा के लिए तो कई मंदिर हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन ही खुलता है। ये मंदिर है नाग चंद्रेश्वर का, जो कि उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में स्थित है। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल, दूसरे खंड में ओंकारेश्वर और तीसरे खंड में नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है। माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 1050 ईस्वी में परमार राजा भोज ने करवाया था। इसके बाद महाराज राणोजी सिंधिया ने सन 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। माना जाता है कि नाग चंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा 11वीं शताब्दी में नेपाल से लाकर मंदिर में स्थापित की गई थी। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। कहते हैं प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्प शैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित है। शिव शंभु के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक नाग चंद्रेश्वर मंदिर में राजा तक्षक ने भगवान शिव को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। बदले में भगवान शिव ने भी उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। भगवान शिव के वरदान देने के बाद राजा तक्षक ने भोलेनाथ के साथ रहना शुरू कर दिया, किंतु महाकाल चाहते थे कि उनकी शांति भंग ना हो। यही कारण है कि इसके बाद से ही भगवान शिव नागपंचमी के दिन इस मंदिर में दर्शन देते हैं। नागपंचमी के अलावा पूरे साल उनके मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि धरोहर है। भारत के इतिहास की नागपंचमी के दिन इस मंदिर में ढेर सारे श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए उमड़ते हैं। मान्यता है कि सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नागपंचमी के दिन इस मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे लाखों लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।